हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल। मैं हूं गेमिंग प्रोफेसर शौमिक और आप देख रहे हैं टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल एक फास्ट पेस बीआर गेम है जो कि 20 मिनट्स के अंडर ही खत्म हो जाती है। यूजुअली अगर आप लोअर रैंक लॉबीज खेल रहे हैं तो 15 मिनट्स के अंदर भी खत्म हो सकती है। इसका मतलब आपको तुरंत उतरते ही लूट करना है और रोटेट करना है, अदरवाइज एट द एंड गेम आपको जीतने के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। आपने दूसरे मोबाइल बीआर गेम्स तो खेले ही होंगे, बट एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसमें आपको गन फाइट के साथ साथ अपने एबिलिटीज भी यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि पैसिव, टैक्टिकल एंड अल्टीमेट। पैसिव का यूजुअली जीरो कूलडाउन या बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ कूलडाउन होता है। टैक्टिकल में थोड़ा ज्यादा कूलडाउन होता है, बट 1 मिनट से लेस कूलडाउन होगा, और अल्टीमेट में 1 मिनट से 6 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन योर लेजेंड उतना कूलडाउन हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपको अपने एबिलिटीज यूज करने हैं एंड गेम को अपने सिचुएशन में लाना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गन फाइट्स जीत सकते हैं। अगर हम बात करें फायरिंग रेंज की, तो ये फायरिंग रेंज ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह की प्रैक्टिस पॉसिबल होती है। अगर आपको गन्स के बारे में जानना है तो आप गन्स के बारे में जान सकते हो, आपको लेजेंड्स के बारे में जानना है तो लेजेंड्स के बारे में भी जान सकते हो, वो भी बिना अनलॉक किए। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे अपने लेजेंड्स यहाँ पे स्विच कर सकते हो और उनके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपको चूज़ करना है कि नेक्स्ट लेजेंड कौन सा आप अनलॉक करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उस लेजेंड के साथ प्रैक्टिस करके डिसाइड भी कर सकते हो कि नेक्स्ट मेरा ये पर्टिकुलर लेजेंड मैं अनलॉक करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे बटन आएगा स्विच लेजेंड। सो स्विच लेजेंड पे मैं जैसे ही जाऊँगा, यहाँ पे सारे के सारे लेजेंड्स अनलॉक्ड है। तो यहाँ पे ब्लड हाउंड मेरा अभी इनिशियल लेजेंड है, मैं इसको जिब्राल्टर पे स्विच कर सकता हूँ और मैं जिब्राल्टर की यहाँ पे मेरी एबिलिटीज आ जाती है। मैं इसको फिर से स्विच कर सकता हूँ, मैं लाइफ लाइन में स्विच कर सकता हूँ एंड मैं यहाँ पे लाइफ लाइन में बदल चुका हूँ एंड यहाँ पे लाइफ लाइन का टैक्टिकल मैंने यूज कर दिया है। ऐसे ही अगर बहुत जनों के पास अभी तक फेड अनलॉक नहीं हुआ होगा तो वो फेड के साथ भी खेल सकते हैं यहाँ पे और उसके सारे एबिलिटीज ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि ये फ्लैशबैक। तो अनलॉक करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फायरिंग रेंज में सारे लेजेंड्स के साथ खेल सकते हो। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना एक स्क्वाड बनाना है। स्क्वाड मतलब यहाँ पे ट्रायो होता है जो कि 3 जन बना सकते हैं, आप और आपके 2 दोस्त मिलके एक ट्रायो बनते हैं और उसी के साथ आप पुश करोगे तो आपकी केमिस्ट्री और इम्प्रूव होगी, आप बहुत अच्छा रैंक पुश कर सकते हो। एंड सबको अपने अपने रोल्स के हिसाब से खेलना है। एंड सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप पुश करते हो तो एज अ टीम आपको पुश करना है, एक साथ रहना है, अलग अलग फाइट्स नहीं लेने हैं। ये एक ऐसा गेम है जिसमें सोलो वर्सेस ट्रायो करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली एट द हायर रैंक्स ऑफ द गेम। जब सब कुछ अपने एबिलिटीज के ऊपर आ जाता है तो एबिलिटीज पूरा गेम चेंजर हो सकता है। सो सोलो वर्सेस ट्रायो बिल्कुल अवॉइड करें अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। अगर आपको गन फाइट इंप्रूव करना है तो आपको हॉट ड्रॉप्स पे उतरने पड़ेंगे। इस मैप में 3 हॉट ड्रॉप्स हैं, कैपिटल सिटी, ट्रेन यार्ड और सॉर्टिंग फैक्ट्री। ये तीनों के साथ साथ इस मैप में आप देख सकते हो कि ड्रिल साइट पे एक हल्का सा ब्लू आइकन बना हुआ है, एक ब्लू सर्कल बना हुआ है, जिसका मतलब कि ये भी हाई टियर लूट वाला एरिया है और जो कि ये चेंज होते रहता है। तो ये 3-4 जगहों पे आप जितना ज़्यादा लैंड करोगे उधर आपको मैक्सिमम स्क्वाड्स मिलेंगे एंड मैक्सिमम इनिशियल गन फाइट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि ये गेम दूसरे मोबाइल बीआर गेम से स्लाइटली अलग है। इसमें आप शूट करते करते बीच में मेली पंचेस और किक्स भी कर सकते हो। यूजुअली अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अपना हट जब सेट करने जाओगे तो ये मेली बटन वहाँ पे डिसेबल्ड होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने टॉप लेफ्ट में यहाँ पे मेली बटन अभी जो सिलेक्ट किया हुआ है, यूजुअली यहाँ पे एक चेक द बॉक्स टू हाइड और कैंसिल द सेटिंग, वहाँ पे अगर ऑलरेडी अगर टिक मार्क रहेगा तो ये डिसेबल्ड होगा। बट अगर आपको उसको एनेबल करना है और आपको अपने गेम में इसको इनकॉर्पोरेट करना है तो इस चीज़ को आप टिक बॉक्स इसको हटा सकते हैं। हटाने के बाद ये एनेबल हो जाएगा, फिर आप आपके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं पे भी इसको सेट कर सकते हो। एंड फाइट लेते लेते अगर आपको पता है कि ये एनिमी जस्ट एक 1 शॉट रह गया है, हार्डली 1 या 2 पंचेस से ये मर जाएगा एंड काफ़ी क्लोज रेंज में फाइट हो रही है,
तो आप शूट करते करते अपना रीलोड, अगर आपको टाइम लगेगा तो आप उसको मीली पंचेस या किक्स भी कर सकते हैं। किक करने के लिए आपको जंप और मीली बटन साथ में प्रेस करना है ताकि वो हवाई किक्स मार सके, एंड नॉर्मली पंचेस मारने के लिए आप सिर्फ इस मीली बटन को ऐसे ही यूज कर सकते हैं। आपने जब मेरा हड देख ही लिया है तो अगला पॉइंट हड के रिलेटेड ही रखते हैं। सो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक है क्लासिक और दूसरा है एपेक्स, एपेक्स हड। सो क्लासिक हड यूजुअली आपने पहले के बीआर गेम्स में भी आपने यूज़ किया होगा, सो आप थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं, बट मैं कहूँगा कि आप दूसरा वाला हड चूज़ कीजिए जो है एपेक्स मोबाइल हड, क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के लिए। यहाँ पे मैं आपको अपना हड दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गन यूजुअली नीचे के तरफ रहता है, दोनों गन्स के स्लॉट्स जो रहते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं, उन्होंने साइड में कर दिया है। किल फीड शिफ्ट हो चुका है, प्लेयर्स के जो साइजेस हैं वो भी काफ़ी उन्होंने छोटे कर दिए हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि काफ़ी क्लीन रखा है ये हड को। आपको डिस्ट्रैक्शंस कम रहेंगे बटन्स के मामले में, जो भी बटन्स हैं सब साइड साइड में हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको साइड साइड में मिल जाएंगे, इवन माइक वगैरह भी सब टॉप साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड, ऐसे करके आपको सारे जो अनइम्पॉर्टेंट बटन्स काइंड ऑफ बोल सकते हैं, जो कि आपको गेम में उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो सब साइड में हो चुके हैं। तो आपका हड काफ़ी क्लीन हो जाएगा एंड आपको एनिमीज और भी अच्छे से दिख पाएंगे। तो आप डेफिनेटली इस टाइप के हड को ट्राई कीजिए। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि इस गेम को अगर आप फोर फिंगर हड में अगर आप कन्वर्ट करते हो, टू फिंगर के बजाय आप फोर फिंगर पे खेलते हो, प्लस अगर आप जायरो भी इनकॉर्पोरेट करते हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाएगा इन टर्म्स ऑफ गन फाइट्स एंड इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स, बिकॉज ये गन गेम में आप बहुत कुछ कर सकते हो एट अ टाइम। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी कम है, तो आपको अगर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है मूवमेंट्स एंड गन फाइट्स वगैरह का, तो आप इस पे फोर फिंगर विद जायरो खेल सकते हैं। इस गेम की और एक खास बात है, यहाँ पे लेजेंड्स के अलग अलग डायलॉग्स होते हैं। ये डायलॉग्स कभी कभी गेम प्ले के अंदर ऐसे इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये वॉइस लाइन्स अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता चलते हैं। जैसे कि किसी का अगर टैक्टिकल रेडी है या अल्टीमेट रेडी है, या फिर कोई आसपास में ड्रॉप गिरने वाला है, या फिर कोई पोटेंशियल डेंजर है जैसे कि ट्रैप्स वगैरह सेट हो सकते हैं, सो उस चीज़ के बारे में कभी कभी लेजेंड्स खुद बोल देते हैं। तो आपको अपने लेजेंड के साथ साथ आपके टीममेट्स के लेजेंड्स को भी सुनना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज काफ़ी फास्ट आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है एंड आपको ज़्यादा कुछ उसमें करना भी नहीं होता, बस एक्टिव लिसनिंग की ज़रूरत। इस गेम में आपका प्ले स्टाइल जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज अकॉर्डिंगली आप अपने लेजेंड को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे लेजेंड्स को चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है स्काउट टाइप ऑफ लेजेंड्स, जो कि है ब्लड हाउंड और पाथफाइंडर। सो यहाँ पे एनिमीज को स्कैन करना या फाइंड आउट करना, और उसके साथ साथ मैप्स में अगला नया मैप लोकेशन क्या हो सकता है जिसकी तरफ ये जोन कन्वर्ज होगा, तो वो फाइंड आउट करने के लिए ब्लड हाउंड और पाथफाइंडर बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सपोर्ट में फिलहाल एक ही लेजेंड है जो कि है लाइफलाइन, जो कि एकदम बैक एंड पे खेलती है एंड अपने टीममेट्स को बहुत ज़रूरी सपोर्ट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आ जाते हैं डिफेंसिव लेजेंड्स में है, जिसमें है जिब्राल्टर और कॉस्टिक। ये एकदम फ्रंट एंड में नहीं जाते हैं, बट अगर इस टीम पे कोई अटैक आ जाती है तो ये पूरे एरिया को फोर्टिफाई कर देते हैं, उसको संभाल लेते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई अटैक ना कर सके आपके ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं सबसे फेवरेट स्टाइल ऑफ गेम प्ले ज़्यादातर लोगों का, वो है अटैकिंग असॉल्टर, और ये मूवमेंट बेस्ड लेजेंड्स भी होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लेजेंड्स है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे है रेथ, बैंगलोर, मिराज, ऑक्टेन और फेड। सो ये पांचों थोड़े मूवमेंट बेस्ड हैं और इनसे आप सबसे पहले यूजुअली अटैक करते हो किसी टीम के ऊपर। अगर आपको पुश करना है तो सबसे पहले में से ये रहते हैं फ्रंट लाइन पे अटैक करने के लिए। तो आपको अपने प्ले स्टाइल को जानना है एंड उस हिसाब से अपने लेजेंड को फाइनली डिसाइड करना है एंड चूज करना है। फाइनली सबसे जरूरी एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने शील्ड्स को हमेशा अपग्रेड करते रहना है। आप कैसे कर सकते हो अपग्रेड? दो तीन तरीके हैं यहाँ पे अपग्रेड करने के लिए। एक तो आपको बेटर शील्ड्स लूट में, ग्राउंड लूट में अवेलेबल हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको स्वैप करना है ताकि आपके पास बेटर शील्ड्स बनी रहे। दूसरा है कि अगर आपके पास कोई शील्ड अवेलेबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब
उतरते हो तो आपके पास एक वाइट शील्ड रहती है। सो आप क्या कर सकते हो, आप जितना ज्यादा गन फाइट लोगे उतना ही आपका शील्ड अपग्रेड होगा। वो कैसे पता चलेगा, नीचे आप देखोगे कि एवोल्यूशन पॉइंट्स होते हैं, ईवो पॉइंट्स भी उसको कहा जाता है। वो ईवो पॉइंट्स आपको क्या करना है, जितना आप डैमेज दोगे वो ईवो पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। इसका मतलब कि वो नेक्स्ट शील्ड की तरफ अपग्रेड होने के लिए तैयार हो रहा है। जैसे ही आप उसको फुलफिल कर देते हो तो वो नेक्स्ट वाले शील्ड में अपग्रेड अपने आप हो जाता है। अगर आप प्रोग्रेशन देखोगे तो आप वाइट शील्ड से शुरुआत करते हो, नेक्स्ट हो जाती है ब्लू शील्ड, उसके बाद हो जाता है पर्पल शील्ड, एंड फाइनली हो जाता है रेड शील्ड। और एक शील्ड इसमें आ जाती है, वो है गोल्ड शील्ड, जो कि आप उसको अपग्रेड ऐसे नहीं कर सकते, वो आपको ग्राउंड लूट पे ही अवेलेबल होगी। बट ग्राउंड लूट आइदर वो केयर पैकेजेस हो सकती है या फिर ट्रेन में अवेलेबल हो सकती है, ऐसे कोई स्पेशल प्लेसेस पे ही अवेलेबल होती है, ऐसे ही ग्राउंड पे इतनी इजीली नहीं मिलती। सो आप ऐसे उसको अपग्रेड कर सकते हो। और एक तरीका है जिससे कि आप अपने शील्ड्स को अपग्रेड कर सकते हो, जो कि है रेप्लिकेटर्स। अगर आपको रेप्लिकेटर के बारे में नहीं पता तो रेप्लिकेटर के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें आप रेप्लिकेटर के बारे में जान सकते हो और उसका फायदा कैसे उठाना है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। बट फिलहाल के लिए जान लीजिए कि रेप्लिकेटर में भी एक ऑप्शन होता है जिसमें आप अपने शील्ड्स को अपग्रेड कर सकते हो बाई 150 EVO पॉइंट्स। सो अगर आपके पास व्हाइट शील्ड है और आपके पास एक चांस है रेप्लिकेटर में अपग्रेड करने का, तो डेफिनेटली कर दीजिए, बिकॉज वो व्हाइट शील्ड ब्लू शील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपके फाइटिंग में चांसेस और बढ़ जाते हैं, बिकॉज 25 HP आपकी इंक्रीज हो जाती है फ्रीली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, एंड वो जो लाल सब्सक्राइब बटन भी दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, और बाजू वाले घंटी को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारे नोटिफिकेशन मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हेल्पिंग मी सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू।